हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आफरीन डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल मरमेड स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके को सीखने के बाद में आपको ये स्कर्ट बनाना बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्कर्ट को बनाने के लिए हमने इस तरह का स्ट्रेचेबल फैब्रिक लिया है, नेवी ब्लू कलर का। आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। ये फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है फ्रेंड्स, जिससे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसके लेंथ भी मेज़र करके बता दी फ्रेंड्स, इसका इस फैब्रिक का लेंथ कितना है। इस फैब्रिक का लेंथ फ्रेंड्स 40 इंच है, जो कि स्कर्ट बनाने के लिए हमें परफेक्ट है। फ्रेंड्स, हम नॉर्मली स्कर्ट जितना भी हमारा लेंथ होता है उतना ही रखते हैं। तो इस फैब्रिक का लेंथ 40 इंच है, हमें इसके ऊपर 2 इंच का बेल्ट लगाना है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, हमने लेंथ के लिए 40 इंच टोटल ले लिया है। और फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ इसका विड्थ कितना है। तो इसका विड्थ 19 इंच आता है, क्योंकि हमने इसे 4 फोल्ड करके रखा है 2 मीटर फैब्रिक को, इसलिए हम इसका विड्थ 19 इंच आता है। तो अब फ्रेंड्स, मैं इसके कटिंग का मेज़रमेंट बता देती हूँ कि इसकी कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स हमें हिप राउंड लेना होगा। हिप राउंड जितना भी होगा उसको 4th से हम डिवाइड करेंगे। तो इसका 32 हिप राउंड था, तो हमने 4 से डिवाइड करने के बाद में 8 इंच हमने ले लिया है। उसके बाद में हमें हिप का लेंथ मेजर करना है। जितना भी हिप का लेंथ आता है कमर से, उतना हिप लेंथ ले लेना है। तो यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, तो हमने 6 इंच लेने के बाद में इस तरह स्ट्रेट में मार्क कर दिया है। अब हम फ्रेंड्स, इसके बाद में हम थाई का राउंड लेंगे और थाई का लेंथ लेंगे। तो थाई लेंथ हमारा 14 इंच, तो हमने 14 इंच यहाँ पर ले लिया है। और थाई का राउंड है 24 इंच, तो हमने यहाँ पे 6 इंच थाई के राउंड का 4th पार्ट ले लिया है। 4th पार्ट लाने के बाद में इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब इसको हम गोलाई में इस तरह शेप दे देंगे, क्योंकि ये हम फ्रंट बॉडी हगिंग स्कर्ट बना रहे हैं, इसलिए बिल्कुल उसी के शेप से हम बना रहे हैं जिस तरह का हिप का शेप होता है। अब उसके बाद में नीचे से, थाई के नीचे से हम जितना भी फ्लेयर हमारा आता है उतना हम इस तरह कॉर्नर तक मिला देंगे। फ्रेंड्स, मैं इसके स्टिचिंग का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मार्किंग किया वहां पे हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जहां पे हमने हिप का लेंथ लिया था वहां पे भी हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, क्योंकि जब हम लेंथ मेज़र करेंगे तो हमें परफेक्ट हमारा मेज़रमेंट आना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल है इस तरह, इसलिए हमें मार्किंग बहुत ही एहतियात से करना है। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम इसका लेंथ मेजर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो 40 इंच का लेंथ लिया था उसको हम यहाँ से भी इस तरह, जिस तरह मैं बता रही हूँ, यहाँ से भी हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जितना आता है, यानी जहाँ पे हमारा 40 आ जा है वहाँ पर मार्क कर लेंगे। या फिर इस तरह भी आप कर सकते हो कि आप यहाँ पर मेज़र कर ले, यानी जहाँ पे आपका थाई का लेंथ है वहाँ से मेज़र करते हुए इस साइड में हम तिरछा में मेज़र करेंगे। तो जितना आता है वहाँ पर लेते हुए हम इस तरह इसको राउंड शेप दे देंगे, ताकि हमारे कॉर्नर पे झोल ना आए, कोने ना निकले, और ये बिल्कुल फ्रॉक के जैसा, मतलब स्कर्ट के जैसा इसका राउंड शेप आ जाए। तो अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं फ्रेंड्स। जिस तरह शेप मैंने कट किया, मार्क किया, उसी शेप पर हम बिल्कुल सीजर के हेल्प से कट कर लेंगे। कॉर्नर पे हमें कोने नहीं निकालना है फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह राउंड शेप दे देना है, जैसा आपकी देख पा रहे हो वीडियो में। ये स्कर्ट की कटिंग बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अब हमने मेन फैब्रिक कट कर लिया फ्रेंड्स। अब हमने उसी तरह 4 फोल्ड करके इस लाइनिंग की फैब्रिक को भी रख लिया है, और हमने नीचे से 4-5 इंच कम रखा है, क्योंकि हमें लाइनिंग थोड़ा शॉर्ट नीचे से चाहिए, ताकि विजिबल ना हो लाइनिंग। अब इसको रखने के बाद इससे हम फ्रेंड्स लेंथ में तो उसी तरह ऊपर से लेंगे, लेकिन साइड से हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, इसलिए हमने इसके अंदर सिलाई का मार्जिन नहीं लिया था, इस वजह से हमने लाइनिंग में ले लिया है। अब नीचे से भी हम इस तरह राउंड शेप दे देंगे लाइनिंग के फैब्रिक में। अब फ्रेंड्स, हम इसके बेल्ट के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स, हमारा बेल्ट जितना हमारा कमर होगा उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम बेल्ट की लंबाई चौड़ाई ले लेंगे, और बेल्ट की लंबाई हम 2 इंच तैयार चाहिए, तो हमने 4 इंच का कट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।